उस गद्दे में वो आराम से सोते थे, लेकिन आज किसान की चौकी पर कोई मोटा गद्दा न था, इसलिए उन्हें रात भर नींद नहीं आई। और रात भर किसान को देखते हैं और सोचते रहे कि ये कैसे निश्चिंत होकर कि अपनी फर्श पर सिर्फ एक पतली चादर पर नींद में सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गए। अगले दिन सुबह हुई, किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और पूछा कि आपको रात में दिक्कत तो नहीं हुई? महात्मा बोले, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूं, किसान बताता है। दरअसल दिन भर मैं मजदूरी करता हूं और मजदूरी करके शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस बिस्तर की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर न भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपके पास महल है या मोटा गद्दा है या पलंग पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे हो, शरीर को तो बस आराम की आवश्यकता होती है। किसान ने पूछा, जी गुरुवर, क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूँ? मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में मैं आपका योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब महात्मा ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज मुझे ज्ञान दिया है, वह ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला था। आज मुझे पता चल गया इंसान के मन का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वह महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम को लौटकर उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्रित किया था वह गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे स्वीकार कर लें और उसी में संतोष कर लें तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है, उसका सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी वन्हा सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है उसमें संतोष नहीं करते। जिन्हें दूसरों की थाली में ज्यादा दिखता है वह कभी खुद से भरपेट नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा नहीं रह पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को और ज्यादा बड़ा बनने की लालच इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं? हम हमेशा दूसरों को देखकर उनसे परेशान रहते हैं कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। आखिर जिंदगी का असली दुख इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच गई है। इसीलिए कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद इस बारे में विचार करें कि हद से ज्यादा इच्छा कितना सही है।